खुदावन का आत्मा कह रहा है, मैं इन्हें चैन और शांति दूंगा आज इस नाम में। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग इस फायर प्रेयर के नीचे, इस प्रोफेटिक प्रेयर के नीचे, इस घोषणा की प्रेयर के नीचे होके जाएंगे, आपकी उन्नति होती जाएगी इस नासी के नाम में। अगर आप पास्टर, आपकी क्लीसिया की उन्नति होगी, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। तुम मुझे मिलके बताने वाले हो, उस लंदन मीटिंग में खुदा ने मुझे भरा और उसके बाद मेरी क्लीसिया की उन्नति हुई, मेरे लोग बढ़े, मेरी सेवकाई बढ़ी, मेरा बिजनेस बढ़ा। खुदावन आपको बढ़ाए पैसे में सुनासी के नाम में। आपकी सब बातों में उन्नति होगी सुनासी के नाम में। आप उन्नति करेंगे सब बातों में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, परिवार में, अपने कार्यों में, अपने सपनों में, अपने लक्ष्य में, आप उन्नति करेंगे सुनासी के नाम में। कमांड करता हूं उसकी दूतों की प्रेजेंस में, आत्मा की हुजूरी में, उसके वचनों को आपकी लाइफ में बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगाई को ग्रहण करे। अपनी आंखों को कर लो बंद और एक ताजा अभिषेक आज आपकी जिंदगियों के ऊपर आ रहा है। मैं तुझे एक तेल के साथ कहता है मसा करूंगा, फिर तुम नीचे नहीं तुम ऊपर ही होते जाओगे, तुम पीछे नहीं तुम आगे ही बढ़ते जाओगे। जब मसा तुम्हारी जिंदगियों में आएगा, जब वो ताजा अभिषेक तुम्हारी जिंदगियों में आएगा, तुम फूलोगे, तुम पलोगे, तुम अप डाउन नहीं, तुम अप 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 होते जाओगे। सुनासी के नाम में तेरे दुश्मनों के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे दुश्मनों के सामने मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा। कोई तुझे रोक ना पाएगा, कोई तुझे विरोध न कर पाएगा, कोई तुझे दुख देने ना पाएगा, क्योंकि मेरे अभिषिक्तों को छूना, मेरी आपकी पुत्री को छूना है। मैं अपने अभिषिक्तों से प्यार करता हूं, मेरे अभिषिक्तों की हानि ना करो। क्या तू मेरा अभिषिक्त बनना चाहता है? अगर आज आप उसका अभिषिक्त बनने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो आज वो आपको ताजा तेल से अभिषेक करेगा, तो आज वो आपके साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधेगा सुनासी के नाम में। जैसे उसने दाऊद के साथ वाचा बांधी कि कोई कुटिल जन तुझे दुख न देने पाएगा, ये मसा तुझे बढ़ाता जाएगा, तेरे वंशों तक ये मसा कार्य करेगा, कोई तुझे गिरा न पाएगा, तू ऊंचा उठता जाएगा, तू जीता जाएगा, तू बढ़ता जाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन का अभिषेक आपकी जिंदगी में आए। जितने पास्टर है आज मसा लेके यहां से जाए सुनासी के नाम में। मुझे नहीं पता तुम कितने हो, पर मैं बोल रहा हूँ ये तेरे लिए मीटिंग है आज, तेरे एक के लिए मीटिंग है, तेरे एक में काम हो रहा है। अगर तुम कह रहे हो ये मेरे लिए है, तो खुदावन का आत्मा आज तेरे लिए कार्य कर रहा है। रेखा पापा 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 रूह का बसा आपके ऊपर हो रहा है, वो आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है। वो केवल उनको भर रहा है जो भरना चाहते हैं, वो केवल उनमें आ रहा है जो चाहते हैं मुझमें खुदा का आत्मा समाए। उसमें ये शक्ति है कि वो एक ही पल में अरबों खरबों लोगों में समा सकता है, वो अपनी आत्मा में से हजारों लोगों को तृप्त कर सकता है, करोड़ों लोगों को तृप्त कर सकता है। अगर वो करोड़ों लोगों की एक ही सेकंड में प्रार्थना को सुन सकता है, तो वो सबके अंदर अपने आत्मा को भी भेज सकता है जो भूखा और प्यासा है। पेंटिकोस्ट के दिन 120 इकट्ठे होकर सबने मांगा और सब आत्मा से भर गए। जो जो मांगेगा खुदा आप सबको भरना चाहता है, खुदा आप सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है, पर वो उसी को भरेगा जो मांगेगा, जो भूखा और प्यासा होगा, जो जीसस क्राइस्ट के चेहरे को अपनी आंखों के सामने रखेगा और केवल उसी को देखते हुए प्रार्थना करेगा, जो अपना ध्यान इधर उधर ना लगाएगा, केवल जीसस क्राइस्ट के चेहरे को देखेगा और उससे लव करेगा उसके चेहरे को देखते हुए। खुदावन का अभिषेक उसके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर आ रही है। जो केवल जीसस को देखते अपनी इस प्रेयर के समय में प्रार्थना करेगा और लव करेगा अपने जीसस क्राइस्ट के साथ, अपने प्यारे यीशु के साथ, अपने सुंदर जीसस क्राइस्ट के साथ, जो इस समय लव करेगा, केवल उसी को देखेगा, केवल उसी की ओर ध्यान करेगा, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। जो स्वयं को दीन करेगा उसकी हजूरी के सामने, उसको उपस्थित जान के जीसस मेरे सामने खड़े है तो मुझे किस रीति से खड़े होना चाहिए। अगर उसका रूह मुझ में है, उसने कहा जा दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे। और प्रेरित चेलों ने यह बात को समझ लिया था, यीशु के जी उठने के बाद
उस ऊपरली मंजिल में है, लेकिन वह सब इकट्ठे होना शुरू हुए, प्रतिदिन इकट्ठे होना शुरू हुए, क्योंकि उसने कहा था या दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मेरा आत्मा उनके विचकार होगा, और ऐसा ही हुआ। वो दूसरी मंजिल पे खड़े थे और आत्मा उन दो या तीन उन 120 के अंदर लगभग के ऊपर उतर आया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जैसे तुम इस हॉल में से होके बाहर निकलोगे, भविष्यवाणी है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जाओगे, तेरे सारे कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे, तेरे घर से रोग खत्म हो जाएंगे। जैसे तुम आज आत्मा से भर के अपने घरों में जाओगे, तेरे घरों में शांति आ जाएगी, तेरे घर में चैन आ जाएगा, तेरे जीवन में चैन आ जाएगा, आराम आ जाएगा, पूर्ण शांति आ जाएगी। बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होंगे। खुदावन का रूह आपको छू रहा है, उसे आने दें। जो अपने पापों से मन फिराता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है। अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने आप को दीन करें और पाकरू आपको भर रहा है। लेकिन जो अपने आप पापों को छिपा के रखता है, पवित्र आत्मा उसकी ओर ध्यान नहीं करता। जो मान लेता है उस पर दया की जाती है। अपने पापों को मान लो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और पवित्र आत्मा आप में आ रहा है, वो आपको परिपूर्ण कर रहा है। पत्रस ने प्रार्थना की, जिन्होंने वचन तो सुन लिया था पर अब तक वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए थे, और उन्होंने उसपे जाके, पत्रस ने उसपे जाके हाथ रखा और वहां के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इन्होंने बपतिस्मा तो लिया था पर जैसे इन पर हाथ रखा गया, ये आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आप नए बिलीवर है, पुराने बिलीवर है, पहली बार आए हैं, सालों से मसीह में पुराने हैं, अगर आप आज चाहें कि वो अपनी आत्मा से मुझे भरे, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको भर रहा है। हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, जीसस को मानते हैं, पर हो सकता है आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पवित्र आत्मा से खाली हो, आप भरे हुए ना हो, आप एक साधारण जीवन जी रहे हो, आप बिना गवाही के जी रहे हैं, आप बिना आत्मा के फलों के जी रहे, बिना आत्मा के वरदानों के जी रहे, बिना अन्य भाषा के जी रहे हैं। इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। मैंने कहा भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। सेवा के लिए सामर्थ पाओ, सेवकाई के लिए अभिषेक पाओ, ऊंचा उठने के लिए, बढ़ने के लिए अभिषेक को पाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ पे उतर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ पे उतर आए। ले पाखाता नमंदा लकर बदा नमासे के सारी चर्च के अजवन में प्रार्थना करते हुए, जिसके पास नहीं है आज वो भी बोलेगा इस राशि के नाम अन्य भाषा में, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर उतर रहे। हर एक जन अन्य भाषा में बोलने लगे, मैं प्रार्थना करता हूं इस के नाम में। बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति ने अपने ऊपर घमंड किया, अपनी योजना को, युक्ति को रचा, तो परमेश्वर ने उनकी लैंग्वेज में गड़बड़ी डाल दी, उनकी भाषाओं को अलग अलग कर दिया और वो एक दूसरे की भाषा को समझ ना पाए और उनकी उनके प्लानिंग में रुकावट आई, उनकी योजना सफल ना हुई। आज जब आप गैर जो में प्रार्थना करें, शैतान की योजनाएं नाश हो रही है, शैतान के कार्य तेरे घर से, तेरे जीवन से, तेरी लाइफ से नाश हो रहे हैं। करो ग्रेजुअल में प्रार्थना। यहां पर मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आया हूं। अगर संडे चर्च बाइबल में लिखा है रोज प्रतिदिन इकट्ठे होते थे प्रेयर के काम में, ये प्रेयर करने के लिए आया हूं मैं, आया यहां पर इस प्रार्थना में आपको भरने के लिए आया हूं आत्मा की अगुवाई से। बाइबल में लिखा है रोज इकट्ठे होते थे और इंतजार कर रहे थे भरे जाने का। संडे चर्च काफी नहीं है, रिवाइवल लाने वाले लोगों के लिए एक संडे चर्च काफी नहीं है, बिदारी लाने वाले लोगों के लिए एक संडे चर्च काफी नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए बड़े लेवल पर उपयोग होने वाले लोगों के लिए एक संडे की संगति काफी नहीं है। आज की संगति तुझे भरे यीशु के नाम में, भरे यीशु के नाम में, भरे यीशु के नाम में, भर जाओ यीशु के नाम में। याद रखो, अगर तुम सुन होके नॉर्मल खड़े रहोगे तो दुष्ट आत्मा भी तेरी लाइफ में चुप करके बैठी रहेंगी और तेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती रहेंगी, हालात तेरी लाइफ में बैठे रहेंगे, पर जब तक तुम अपनी आत्मा को, अपने दिल को खोलेंगे नहीं, तेरे बंधन नहीं खोलेंगे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो दिल खोल रहे हैं, आपके बंधन टूटे और जाए इस रास्ते के नाम, आपके बंधन टूटे और जाए, बीमारियों के बंधन टूटे और जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे और जाए, पाप के बंधन टूटे और जाए, नशे के बंधन टूटे और जाए, डिप्रेशन के बंधन टूटे और जाए, अशांति के बंधन टूटे और जाए। आपके आमीन बोलने का मतलब ये मेरे लिए है, मैं इसे ग्रहण करता हूं।
आपके घरों में क्लेश के बंधन टूटे, जादू और टोने के बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, सारे श्रापों के बंधन टूटे, सारी 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 दुष्ट आत्मा के, जादू के, टोने के, कर्ज के बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। ले प्रकाता नमंदा ला खरबा सोम रपोतो नमोसिकी ले बाबा 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 ले गिर 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 मस सुक्रा कंदे नमोसिकी पाकरू आपको भर रहा है, पाकरू आपको भर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ये स्थान तेरे लिए है, ये जगह आज तेरे लिए है। ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। यस 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 चबा बा 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 क्ला कर कुर्द नमन तला कर बद नमन सिक गिर 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 ने मंदर नमन सिक ले कर कुतन नमन तला कर बद नमन सिक। मैं घोषणा करता हूं उस प्रोफेटिक वर्ड्स को, यीशु मसीह के नाम में खुदावन का रूह आप में उतरे। आज के वचन के अनुसार वो आपके जिंदगी में कार्य करे। बाइबल में लिखा जब प्रेरितों के काम में 9:31 को पढ़ा गया, इस प्रकार सारे यहूदिया, सारे गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति उनमें चलती रही और बढ़ती गई। यीशु मसीह के नाम में आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपको चैन देगा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जलंधर के लोगों को, आसपास के लोगों को, आज वो आपकी आत्मा को चैन देगा। वो चैन कुछ ऐसा होगा जैसे एक व्यक्ति कर्जों में जब होता है वो कहता है मेरी लाइफ को कोई चैन नहीं है, मैं बेचैन हूँ, मैं बेचैन हूँ, इस बीमारी के कारण मुझ में चैन नहीं है, मैं बेचैन हूँ, इस दुष्ट आत्मा के कारण मैं बेचैन सा रहता हूँ, मुझ में कोई चैन और शांति नहीं है, मेरे बच्चों को मैरिज नहीं हो रही, मुझ में बेबी नहीं है मेरे पास, मैं बेचैन हूँ, मैं अशांति में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं चैन में नहीं हूँ, मैं उदासी में हूँ। बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा हुआ कि कलीसिया को चैन मिला। आप आज की मीटिंग अटेंड करके कहने वाले हैं, ओह अब चैन आया मेरे जीवन को, अब आराम आया मेरे जीवन को, अब शांति आई, क्योंकि अब वो दुष्ट आत्मा नहीं रही, क्योंकि अब वो बीमारी नहीं रही, क्योंकि अब वो कर्जा नहीं रहा, क्योंकि अब वो शराब का बंधन नहीं रहा, क्योंकि अब वो व्यभिचार और नशा मेरे जीवन में नहीं रहा। आपको चैन मिले खुदा बने यीशु मसीह के नाम में, आपकी आत्मा में चैन आए यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार में, आपके जीवन में चैन आए, आराम आए, शांति आए यीशु नाम में। बाइबल में लिखा है उनकी उन्नति होती गई, लिखा है पवित्र आत्मा के भय में कलीसिया और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। आज जलंधर के लोग आपके जीवन में पवित्र आत्मा की शांति आ रही है। आज आप पवित्र आत्मा की शांति से भर के जाओगे, पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवनों के ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा की शांति आपके जिंदगी के ऊपर आ रही है और पवित्र आत्मा की शांति में कलीसिया बढ़ती गई और गिनती में वो बढ़ती गई। खुदावन आपको बढ़ाएगा अद्भुत रीति से। आज से पवित्र आत्मा की शांति आज आपके हृदय में आ रही है, तुम भरे जा रहे हो। रिसीव करो उस टच को, रिसीव करो उस टच को, अभिषेक तुम पे आ रहा है। हाथों को उठा लो, वो टच आपकी जिंदगी में आए। आज मैं आपको टच करने के लिए आया हूं, आज खुदावन आपको टच करने के लिए यहां पर बुलाया है। आज खुदावन ने अपनी शांति से, आपकी फ्रस्ट्रेशन से, आपकी डिप्रेशन से, आपकी बेचैनी से आजाद करने खुदा ने बुलाया है। अगर आप अपनी कलीसिया में बेचैन हो, घर में, परिवार में, प्रतिदिन के जीवन में, परमेश्वर ने आज आपको शांति देने के लिए यहां पर मुझे भेजा है। मैंने कहा प्रभु क्या देना इन लोगों को, परमेश्वर कहता है मैं शांति दूंगा आज इन लोगों को, इनको मैं चैन दूंगा, इनको मैं बढ़ाऊंगा, इनकी उन्नति होती जाएगी आज से। रिसीव करो, अब उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरे होने की ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, वो टच आपके लाइफ के ऊपर आ रहा है। लगा रगा दगा लगा लमा सो पापा पापा पा प्रभु दो नो सारा शगल लगा रगा दना मस के बोले परमेश्वर मुझे शो, मुझे पर, मुझे शो, मुझे पर, मुझे शो, मुझे पर, मुझे शो, मुझे पर। अब वो टच आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आप सेम प्रेजेंस लॉक करके रखना। अरे पापा 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 पापा। अब आत्मा में हम भविष्यवाणी में जाएंगे, हीलिंग में जाएंगे, डिलीवरेंस में जाएंगे, आग का बपतिस्मा होगा आपका,
अन्य भाषा से तुम भरोगे, अभिषेक तुझ पे आएगा। और एक वायदा करना होगा खुदावन, जब तू मुझे छुएगा तो मैं पूरी रीति से तुझसे रिसीव कर पाऊं करूंगा। मैं अपने शरीर को सोचो विचारों को बीच में लाके उठूंगा नहीं, मैं भरता जाऊंगा उस आत्मा से। मैं वायदा करता हूं मुझे पूर्ण रूप से भर परमेश्वर, मेरे साथ आज अद्भुत प्रकाशन हो। यस खुदावन का रूह आप पे आ रहा है। यस सो रा रा का लाबा आई पवित्र आत्मा, छूना शुरू करे एक एक जन को। आइए पवित्र आत्मा, राधा क्रिकेट ने मां पापा 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 मामा मामा शादा लाभ दर कर बदना मंजूर बदना मस्से के लिबारा बदा लकर बदना मस्सों पर कदा ना मस्से क्रिकेट ने मां सुकरो शाला लाला लाभ लाभ रा बदा लकर बदनी मंदु रो 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 रो। यस यस भूख दिखाओ और रिसीव करो। गैर छुआ में प्रार्थना करते हो, केवल आप गैर जो में प्रार्थना करेंगे, कोई लिप्स बंद करके मुंह बंद करके नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने कहा अपना मुंह खोल, मुंह पसार तो से भरूंगा, चमत्कार से भरूंगा। विश्वास करो मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा आहार आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है मेरे ऊपर। विश्वास करो, विश्वास करो। रागा खाखा लखा लखा ला ला लावा शिखे लागा खा लखा 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 लंदा ना शिखे लिक्रोक थुतल करो मा सोम्रा बा शिखे रामा बाबा 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 बाबा। रिसीव रिसीव रिसीव।